एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, एक महिला ने मीरा पर महान निबंध लिखा है। उसने कहा है कि मीरा एक साधारण औरत थी और उसका गोपाल 5,000 साल पहले हुआ कृष्ण नहीं था, लेकिन जो साधु उसके घर आया था वह उसी साधु के प्रेम में पड़ गई थी। और उस समय वह 5 साल की नहीं थी बल्कि युवती थी। आपके बारे में भी समाज में एक बड़ा हिस्सा मानता है कि आप धर्म की आड़ में निर्बंध कामाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या प्रत्येक ज्ञानी का मार्ग इस प्रकार के क्लिष्ट धुएं से अछत रहता है? अब जिस महिला ने मीरा पर यह खोज की होगी, यह खोज उसी महिला के संबंध में है, मीरा के संबंध में जरा भी नहीं। और मुझे उस बेचारी पर दया आती है। नाम तो उन्होंने लिखा नहीं जिसने यह महान निबंध लिखा है, उस पर मुझे दया आती है। लगता है उसे साधु भी नहीं मिला। खुद साधु मिल जाता तो महान निबंध लिखने में समय खराब करती, तो मेरा पर महान निबंध लिखने की जरूरत क्या है? अब यह बड़े मजे की बात है। एक तो मेरा गलत, उसकी जिंदगी खराब गई इसके हिसाब से, और यह अपनी जिंदगी खराब कर रही है उस महान निबंध को लिखकर। महान निबंध लिखने में वक्त लगता है, 3, 4 साल, 5 साल। ये 5 साल किस लिए खराब करते हो? मगर यह जो महिला लिखी होगी किताब, ये उन्हीं तथाकथित मनस्वितों के आधार पर कही गई बातें हैं। अब पहले तो बात यह है कि मीरा को समझने के लिए मीरा जैसी भाव दशा चाहिए। मीरा को समझने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। मीरा के पास कोई डिग्री नहीं थी। मीरा को समझने के लिए मीरा का भाव चाहिए, बजाय इन देवी को कि ये महान निबंध लिखे, थोड़ा भक्ति भाव सीखे, साधु संगत करे, किसी साधु के प्रेम में पड़े, थोड़ा बिगड़े, कुछ रस लगे, कुछ धुन पकड़े, और किसी दिन अपने को पाए नाचते मीरा जैसा, तो कुछ समझ में आएगी बात, तो रास्ता खुलेगा। नहीं तो यह निष्कर्ष स्वाभाविक है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि 5,000 साल पहले कृष्ण हुए। 5,000 साल पहले हुए कृष्ण को कैसे तो प्रेम करोगे? क्योंकि हमारा प्रेम तो बड़ा भौतिक अर्थ का होता है, शारीरिक होता है। हमारी धारणा उतनी है कि बस शरीर से होता है, शरीर से ही जो प्रेम होता है, वह कैसे मान सकता है कि 5,000 साल पहले के फासले पर प्रेम हो सकता है? अब यह बड़ी मुश्किल है। यह ऐसा ही है जैसे अंधे आदमी को समझाओ कि रोशनी होती है, ऐसे उसको समझाना जिसको केवल शारीरिक प्रेम का ही पता है, उसको समझाना मुश्किल है कि प्रेम अनंत काल की दूरी पर भी हो सकता है। प्रेम के लिए कोई बाधा न समय की है और न काल की है। प्रेम के लिए अगर कोई बाधा है तो अहंकार की है, और कोई बाधा नहीं है सिवाय अहंकार के। और कोई चीज प्रेम में बाधा नहीं बनती है। अगर यह अकड़ है कि मैं कुछ, तो प्रेम नहीं होता। फिर चाहे तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास ही क्यों ना बैठा हो, गलबाही चाहे क्यों ना बैठा हो, अगर अहंकार है तो प्रेम नहीं होता। पास बैठे रहो, शरीर से लगाया हुआ शरीर लगा हो बैठा हो तो भी प्रेम नहीं होता। अगर अहंकार है तो इतना बड़ा फासला है कि
उसको पूरा नहीं किया जा सकता। और अगर अहंकार नहीं है और वही तो भक्ति का सूत्र है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कृष्ण 5,000 साल पहले हुए हो कि 50,000 साल पहले हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण यहाँ हो कि किसी और चांद तारे पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो इन देवी का यह कहना कि मीरा एक साधारण औरत थी, सिर्फ अपने संबंध में संकेत देना है। दूसरी बात, मुझसे अगर कोई कहे तो मैं कोई साधारण औरत को कुछ बुरा नहीं मानता, सभी साधारण है। असाधारण का क्या अर्थ होता है? असाधारण का इतना ही अर्थ होता है जिसने अपनी साधारणता को पहचान लिया वह असाधारण हो गया, जिसने अपनी निरअहंकारिता को पहचान लिया वही असाधारण हो गया। असाधारण का अर्थ होता है अपनी साधारणता में मस्त हो गए। मीरा को साधारण औरत कहने से यह महिला ही साधारण हो जाती है। अपने को साधारण जान लो तो असाधारण हो जाओगे। और मीरा ने अपने को बड़ा साधारण माना है। इतना ही नहीं, कहती है कि हे प्रभु मुझे चाकर रख लो, मुझे नौकर रख लो, मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगी, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, सेवा टहल लाऊंगी, मुझे चाकर रखो जी। और तो कुछ नहीं मांगती, कुछ तो मांग नहीं है मीरा जी। तो पहले मैं कहूंगा मेरा कोई भी दंभ नहीं है असाधारण होने का, यही उसकी असाधारणता है, वह बिल्कुल साधारण है। दूसरी बात, इन देवी ने खोजी कि जो साधु उसके घर आया था वह उसी साधु के प्रेम में पड़ गई थी। वह 5,000 साल पहले हुए कृष्ण के प्रेम में नहीं थी, लेकिन इस साधु में भी कृष्ण उतने ही है। इस साधु की कोई खराबी है? इसका कोई कसूर? इस साधु के भी प्रेम में अगर मीरा पड़ जाए तो इन देवी को कोई अड़चन मालूम होती है? कृष्ण तो सर्वव्याप्त है, कृष्ण कोई व्यक्ति का नाम थोड़े ही है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कृष्ण से प्रेम करो, मैं कहूंगा प्रेम करो, जिससे प्रेम हो जाए वही कृष्ण है। कृष्ण से थोड़े ही प्रेम होता है, प्रेम से कृष्ण होते हैं। क्या फर्क पड़ता है? ठीक, चलो यह अनाम साधु जो आया था इसके प्रेम में पड़ गई होगी तो भी कुछ हर्जा नहीं, प्रेम में पड़ गई यह बात पक्की है। और प्रेम में पड़ गई कि मीरा मीरा हो गई, किसके प्रेम में पड़ी क्या फर्क पड़ता है? यहाँ नाम धाम का ही फर्क है, बाकी तो एक ही बसा है। मगर इन देवी की चेष्टा यह है कि कृष्ण का प्रेम कुछ खास, कृष्ण का प्रेम होता तो चलो क्षमा कर देती है उसको, मान लेती कि चलो ठीक है चलने दो, मगर साधु साधु में तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता, तो कृष्ण में ही ऐसी क्या खूबी थी? ग्वाले थे, किसी को कृष्ण की निंदा करनी हो तो क्या अड़चन है कि इस ग्वाले के प्रेम में पड़ गई? साधु भी उनका ही रूप है, मगर यह देवी इस कोशिश में ही लगी है कि किसी तरह मीरा को छोटा सिद्ध करना है। कहीं इन देवी को चोट लग रही होगी, शायद ये भी कुछ तुकबंदी वगैरह जानती होगी, तो शायद सोचती हो कि ये भी कुछ कवि इत्यादि है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन मुझसे बात कर रहा था, ऐसे साहित्य की बात चल पड़ी तो कहने लगा कि उर्दू साहित्य की हालत खराब है। मैंने पूछा मतलब, तो उसने कहा कि अब आप तो जानते ही हैं मिर्जा गालिब
और मेरे कितना समय हो गया। फिर इकबाल भी चले गए और फिर मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं रहती, बस उर्दू साहित्य पूरा हो गया। इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उर्दू साहित्य की हालत बड़ी खराब है। शायद पुस्तक बंदी इन देव को भी आती होगी, मीरा से अड़चन पड़ती होगी, मीरा को किसी तरह नीचे लाना जरूरी है। तुम ध्यान रखना, संतों की निंदा में अक्सर कारण यही होता है, ईर्ष्या। यह बात मानना बहुत कठिन होती है अहंकार को कि कोई हमसे ऊपर खींचे, किसी भी तरह खींचो। इसलिए संतों की जब भी निंदा चलती है तुम तत्क्षण मान लेते हो, तुम फिर खोजबीन ही नहीं करते, फिर कोई फिक्र ही नहीं करता इस बात की, खोजबीन करने की कि हम इसमें सच्चाई कितनी है। निंदा तत्क्षण स्वीकार करते हैं, प्रशंसा हम एकदम ठिठक जाते हैं। हम कहते हैं प्रशंसा यह हो ही नहीं सकता, अच्छा तो हो ही नहीं सकता, हमारी यह मान्यता है, यह तो सिद्ध सिद्धांत है हमारा, शुभ तो यहाँ होता ही नहीं, अशुभ ही होता है। अशुभ कोई कहे तो हम मान लेते हैं, शुभ की कोई खबर दे हम लाख झंझटे खड़ी करते हैं, तर्क उठाते हैं। इसीलिए उनको यह भी अड़चन है, वह कहती है कि साधु के प्रेम में पड़ गई थी, जो साधु घर आकर रुका था और उस समय वह 5 साल की नहीं थी बल्कि युवती थी। क्योंकि उसको अड़चन नहीं रही होगी कि अब 5 साल की अगर मान लो तो फिर यह साधु के प्रेम में पड़ना कुछ जचेगा नहीं, इसमें कुछ तालमेल नहीं बैठता, फिर इसको वासना नहीं कहा जा सकेगा। तो मीरा को खींच कर युवती बनाना पड़ता है। हो सकता है साधु का नाम गोपाल दास जी या ऐसा कुछ रहा हो, बाबा गोपाल दास या रणछोड़ दास जी कुछ ऐसा नाम रहा हो, और मीरा धोखा दे रही हो दुनिया को, पड़ी है इस लफंगे के चक्कर में और बातें कर रही है कृष्ण की, ऐसी उनकी चेष्टा है। यह चेष्टा क्षुद्र वृत्ति से उठती है, मीरा को समझने के ये ढंग नहीं। मुझे कुछ अड़चन नहीं है, मीरा अगर जवान रही हो तो और भी अच्छा, इसमें क्या अड़चन है, जवानी में कुछ बुराई नहीं है, जवानी में बुराई होती तो परमात्मा जवानी लाता ही नहीं, परमात्मा जवानी से बहुत खुश है, इसीलिए जवानी को सौंदर्य देता, प्रतिभा देता, रूप रंग देता। जब फूल पूरा खिलता है तो कोई कसूर तो नहीं है, जब बौड़ी जो खिलती नहीं है कोई बड़ी महिमा की बात तो नहीं है, तो 5 साल की बच्ची बौड़ी है, जवान युवती खिल गया फूल है, क्या अर्ज है। और मीरा किसके प्रेम में पड़ी यह मुझे अड़चन नहीं आती। हाँ, दूसरों को अड़चन आएगी, ऐसे धर्मगुरु तुम्हें मिल जाएंगे जो इसका खंडन करेंगे कि यह बात बिल्कुल गलत है, मुझे इसमें अड़चन नहीं आती कि किसके प्रेम में पड़ी, प्रेम में पड़ी यह काफी है, मैं प्रेम का हामी हूँ, पक्षपाती हूँ, तुम किसी को प्रेम तो करो, तुम प्रेम तो करो, तुम प्रेम का स्वाद तो ले लो, तुम किसी के भी साथ प्रेम का स्वाद ले लो, तुम धीरे धीरे पाओगे, वहीं से परमात्मा का रास्ता बनना शुरू हो गया, क्योंकि प्रेम उसका रास्ता है, प्रेम विपरीत जाना है परमात्मा के, प्रेम उसके अनुकूलन हो जाना है, जिससे हो जाए उससे करो, प्रेम के संबंध में शर्त बंदी न रखो।